ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री एक एक करके बकायदा ट्वीट कर रहे हैं क्योंकि ये जो विवाद है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इस वक्त मैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो ट्वीट किया है उसकी बड़ी बातें बताती हूँ कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है। ट्वीट उन्हीं बातों को लेकर यानी इस वक्त मैं यहाँ पे आपको ट्वीट की महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। भारत भाग्य विधाता जय हो, ये ट्वीट की बातें हैं। जन गण मन भारत भाग्य विधाता, ये धर्मेंद्र प्रधान का ट्वीट है और बकायदा उसी लेटर को लेकर जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है और जिसको लेकर विपक्षी खेमा बहुत ज्यादा हमलावर है। कुछ जगहों से अफवाह भी इस तरीके से सामने आ रही है कि शायद नाम बदल जाएगा। सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है लेकिन ये ट्वीट की बड़ी बातें मैं आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हो, हैशटैग में वही है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो एक एक करके हम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और केंद्रीय मंत्री ने क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का मामला नहीं है बल्कि अब हमारे साथ ये सभी गेस्ट हैं। वरिष्ठ पठान, शाजिया इल्मी, अवस्थी जी और सुरेंद्र राजपूत इस वक्त आपके सामने स्टूडियो में मेरे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। शाजिया जी, एक आरोप आप पर भी लगते रहा है, हालांकि विपक्षी खेमा के लिए सवाल यह है कि हर बड़े मौके पर ये विवाद या सियासत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपके बारे में ये कहा जाता है जो कि विपक्षी खेमे का आरोप है या कुछ लोग भी ऐसा कहते हैं कि आप बड़े मौके पर विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलती हैं, क्या ये भी सच्चाई है? अरे विपक्ष अपने साथ ही खुद नहीं चल पा रहा है, उनको साथ लेके कौन चलेगा? आप हालात देख रहे हैं क्या हो रहा है? उदय निधि जी के बयान पर आपने देखा है सबकी क्या प्रतिक्रिया रही है? उस पर कोई बोल पा रहा है कुछ? और खुद ही अपने सब साथ नहीं तो उनके साथ कौन चलेगा? और उनका एक देखिए एक गोंद है जो उन सबको पूरी तरह से जोड़ के रखता है, वो है मोदी खौफ, मोदी भय। और वही जो मैं कह रही थी ना, हवाइयां हैं चेहरों पर दिख रही हैं, वो वही हवाइयां हैं। क्योंकि वन नेशन वन पोल की जब बात आई, कमिटी बाकायदा बनी और ये पुराना मैनिफेस्टो रहा है 2014 से, क्या हुआ? पूरी तरह से सकपकाहट। फिर देखिए, फिर सनातन धर्म का अपमान हुआ, उस पर जो सवाल पूछे गए तो उनकी तरफ से ये पलटवार हुआ, लेकिन पलटवार ऐसा हुआ कि खुद ही का नुकसान हुआ, क्योंकि फिर लोग पूछने लगे कि आपको भारत से क्या एतराज है? तो आप देख रहे हैं किस तरह से अपने ही जाल में फंस रहे हैं, ज्यादा चालाकी करके अपने ही जाल में फंसने वाली है पार्टी। मैं आपके पास आती हूं। मेरा सवाल ये इसलिए था कि G20 एक बहुत बड़ा आयोजन है, सरकार के स्तर पे इसे ना देखें, हम भारत के स्तर पे देखें। हम सबसे पहले भारत को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसलिए मैंने ये आपके सामने सवाल रखा कि आप ही बड़ा दिल दिखाइए और विपक्षी खेमा अगर राजनीति कर भी रहा है तो मौका मत दीजिए, क्या ये संभव है? अरे बात मौके, आपको क्या लगता है कि अगर महामहिम अपने को भारत की प्रेसिडेंट मानकर निमंत्रण पत्र में एक नियोते के तौर पर लोगों को बुला रही हैं तो ये उनके लिए और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए? तो मुद्दा तो विपक्ष ने बनाया है, क्योंकि विपक्ष घेरे में है कि सनातन धर्म वाकई में उनके हिसाब से वाकई में मलेरिया है और उसको खत्म करने की, इराडिकेट यानी कि पूरी तरह से खत्म करने की, नेस्त नाबूद करने की जरूरत है। इसका जवाब दे नहीं पा रहे तो उन्होंने इस पर अटैक किया कि क्या आपको लगता है कि इसकी गुंजाइश थी जरा से भी? हमारा संविधान बहुत क्लियरली इस बात को बताता है। मैं बात पुराणों की नहीं करूंगी, ना मैं ऋग्वेद पे जाऊंगी, ना मैं बताऊंगी आपको कि क्यों हिंदू नाम पड़ा, लेकिन एक बहुत साधारण सी बात है, जब देश का संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत जी, और इंटरचेंजेबली यूज होता है हिंदी के अनुवाद में, तो आप बताइए क्या 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 उनको गुंजाइश थी? क्यों तिलमिला उठे जब देखा? क्यों इंडिया पे ले आए? क्यों सुरेंद्र जी, आज एक और भी बात सामने आया, कोई भी इंडियन सीरियसली, शाजिया जी मैं आती हूँ आपके पास, हाँ मैं आपके पास भी आऊंगी। सुरेंद्र जी, आज एक बड़ा मामला हुआ, जयपुर में एक विवाद हुआ और जहां आराधना मिश्रा नाम की एक कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं उनको लेकर यह कहा गया, बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि इनको भारत माता के जैसे आपत्ति है। उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि आप ये नारा मत लगाइए, सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगाइए।